ठीक है, रोलिंग। आंटी आज आपको भी अवार्ड मिलने वाला है, श्री दादा ने मुझे बताया। आप क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड को लेके? अवार्ड को तो खुश हूँ मैं, ऐसी खुश हूँ कि शिव को तो अवार्ड मिल रहा है, पर सब मेरे बच्चे के बारे में खुश हूँ मैं कि सब मेरे बच्चे अच्छे हैं, अच्छे प्रगति करेंगे, आगे जाएं। आपने, मुझे याद है जब वो बिग बॉस के घर के अंदर थे, तभी आपने कहा था कि शिव भाई सपना देखते थे सारी चीज़ों का, अब सब जो सपना पूरा होता है, आपको कितनी खुशी मिलती है इसको लेके? बहुत खुशी मिलती है। बहुत आप कुछ बताना चाहोगे आज इनके साथ? मुझे मतलब ये अवार्ड अच्छा लगा कि एक बिग बॉस मराठी के बाद में एक इवेंट में गया था जहाँ पे मुझे बुलाया था, मतलब आपके आई को भी बुलाना है और यहाँ पे आई और आपको अवार्ड देना चाहते हैं, हम ऐसे सुना मैंने, यार ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये मेरे आई के लिए खुशी की बात है कि उसको थोड़ा अपन मोटा दलवाइया था तो बड़ी बात है ये और खुशी की बात है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं और हैप्पी है हम लोग। क्या कहना चाहूँ फैंस और ऑडियंस को, इतना सारा प्यार दे के आज यहाँ तक पहुँचा है? मैं थैंक यू हमेशा बोलता हूँ, हमेशा शुक्रिया करता हूँ सभी का, क्योंकि ये मेरे आई का तो ब्लेसिंग है ही, इसकी वजह से मुझे जितनी आईओ का ब्लेसिंग मिलता है इसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये अवार्ड मेरे और आई का नहीं है, जितनी आईया मुझे ब्लेसिंग देती है उन सब का है। तो थैंक यू सर। शिव दादा आज देनी शर्मा बर्थडे भी आपके बेस्ट हुए, क्या कुछ विश देना चाहोगे? मैंने अभी ये तो कैमरा में विश दे के कुछ मजा नहीं ना, मैंने फ़ोन करके विश दे दिया पहले से ऑलरेडी। मनीषा रानी एंटरटेनमेंट का पैकेज है पूरा, और जितना उसने बिग बॉस में किया उसके पहले भी मैं जानता था उसे, तो वी आर वेरी गुड। टेल अस समथिंग अबाउट द फर्स्ट अवार्ड टुगेदर, आई गेस लाइक दैट्स द फर्स्ट वन, व्हाट वुड यू लाइक टू से? So we got the most charismatic couple of the year award, and we are extremely happy and honored and grateful because abhi shaadi hoke bas 6 hafta hi hua hai and we got the first award together, so yeah, many more to go. Very humbled and honored. Michael, what would you like to say about the award, and tell us something about the pictures are looking so you guys thank are you so much together. The kind of love do you receive from the social media? Tell us something about that, and also this award. So like she already said, we are very I would say humbled and honored to receive this award so shortly after the wedding, and like you said, like we got lots of love for the pictures and lots of feedbacks for the pictures. There are lots and lots more, and we keep looking at them every day. So इनके साथ आप नजबलिए या फिर ऐसे कोई रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? डांस रियलिटी शो, बिकॉज़ यू आर अ गुड डांसर। आई एम नॉट, दैट्स द प्रॉब्लम। सो आई वुड लव टू, बट सर का भी परमिशन होना चाहिए, बट या डेफिनेटली we can think about it. Michael, what about Bigg Boss? Would you like to go to inside that house solo? See, I told her very clearly I'll never go in that house even once, and then eventually it happened. He got so the taste already. Never say never, but yeah, I'm not the best dancer to answer the first question. बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मम्मी को मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम अवार्ड मिल रहा है, तो मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश है ना मम्मी? मैं तो बहुत खुश हूँ, बस इसकी वजह से मेरे को भी मिल रहा। अर्चना किस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई? मुझे बेस्ट एंटरटेनर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, बेस्ट डॉटर एंड बेस्ट मूवी। आंटी आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में जिस तरह रॉकिंग परफॉर्मेंस दोनों में दे रहे हैं, आपको सबसे अच्छी जर्नी किस पे लगी? मेरे को बिग बॉस में भी अच्छी लगी खतरों। अर्चना आज डेजी का बर्थडे भी है, कुछ विशेष देना चाहोगे उनके? हैप्पी बर्थडे डेजी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने भाई मोबाइल पीछे मैसेज किया, फोन किया आपने? नहीं मुझे पता नहीं था सच, नहीं नहीं पता, अभी मुझे आपसे पता चला जी। थैंक यू सो मच। वी एक्चुअली गॉट दिस अवार्ड फॉर इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर एंड राइजिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर सोलमेट अवार्ड।
सो टेक्निकली हमारे जो रील्स जो हमारी साथ में जो हमने मेहनत की उसका फल हमें आज मिल गया है विच इज़ दिस अवार्ड कॉज हमारी रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए साथ में सो वी एक्चुअली गॉट दिस अवार्ड एज़ अ सोशल मीडिया. आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आई थिंक हमने अलग अलग कॉन्टेंट भी बनाया है बट जब से हमने साथ में बनाया भी हम ग्रोन अलॉट हमें बहुत ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है. आई थिंक ये हम दोनों की मेहनत की वजह से हम दोनों को मिला है एंड वी बोथ डिजर्व इट एंड ऐसा हम और कॉन्टेंट लाएंगे तो हमें और भी शायद मिले. तो थैंक यू. टू बी ऑनेस्ट एक साल पहले तक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि रियलिटी शो क्या होता है कैसे वर्क करता है. सबके अलग अलग कहते हैं ना एक माइंड मेकअप होता है कि स्क्रिप्ट होता है आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो भी चीज़ें. बट टेक्निकली एक साल के अंदर मुझे दो रियलिटी शोज का एक्सपीरियंस हुआ एंड कहीं ना कहीं आई कैन से दैट रियलिटी शोज आर रियल एंड यू हैव दिस राइट कि आप जो चाहे वो इमोशन दिखा सकते हो. कोई भी आपको फोर्स नहीं करता, कोई भी आपको बोलता नहीं कि ये करे या वो करे. इट्स ऑलवेज यू. You have to do whatever you want and that's we call a reality show. Sure. Which I think is that one reality show you would love to do? I think for me I would love to do Big Boss because क्योंकि बिग बॉस में पूरा टाइम आपके ऊपर कैमरा होते हैं ना तो आप फेक नहीं कर सकते एंड मैं जैसी हूँ मैं पूरा टाइम रियल रहती हूँ पूरा टाइम मजाक मस्ती करती हूँ तो आई थिंक अगर मुझ पर कैमरा पूरा टाइम रहेगा तो लोग काफ़ी इंटरटेन होंगे एंड इतनी ब्यूटीफुल लग रही होंगी. बट हाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ. नॉमिनी है आइकॉनिक मदर डॉटर डुओ का सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. सो यस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को आप सबसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ आ जाओ मम्मा. आपको और मम्मी जी का बहुत अटूट रिश्ता है. आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आज का फिल्म देखने के लोग अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कम देते हैं लोग जब सफल होने के बाद. लेकिन मैम हमेशा आप मैम के साथ रहती हैं. क्या कहना चाहोगे आप? मैं मम्मी बचपन से लेकर अभी तक मेरा इतना साथ दिया है. मेरी मेंटोर रह चुकी है, मेरी दोस्त है, मेरी सब कुछ है. तो मेरा बहुत साथ दिया. मैं आज तक जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ एंड ऐसा नहीं आजकल आजकल के बच्चे भी सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा को अपने सब देख देख के अपने अपने दोस्तों को हम लोग को. आई थिंक सब आजकल हर कोई अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहा है. पहले बीच में हो गया था कि हाँ माँ बाप को नहीं सपोर्ट कर रहे बट आजकल एवरीबडी सपोर्टिंग देयर पेरेंट्स. यस बहुत जल्दी आपको पता चलेगा. जैसे रिलीज डेट आएगा आपको पता चल जाएगा. हाँ जी मैं एक OTT फिल्म कर रही हूँ और एक बड़े पर्दे की फिल्म कर रही हूँ तो एक महीना देहरादून में थी. तो आप बताइए आपको भी अवार्ड मिलने वाला है क्या कुछ कहना चाहोगे आपके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब दादा साहब फाल्के नाम आगे से जुड़ा है तो मेरा खुशी के मारे ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा है. क्योंकि सुनते ही थे ना हम लोग तो उत्तरकाशी जैसी जगह पे थे तो दादा साहब फाल्के पढ़ना देखना फिर उसके बाद आज अवार्ड मिल रहा है बेटी के कारण तो बहुत खुशी हो रही है. बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है. So I've got the best iconic actress awards, Dada Saheb Phalke award and it's a soulmate award, Saraswati Bai ji ke tribute mein. So my parents Preeti and Suresh, they are also getting an award for this, for encouraging me in this field in acting career. Mujhe yaad hai meri journey itni utar chadhav wali rahi hai. I was a child actor. Then बीच में मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी. आई वॉज अ टॉपर ऑफ माई स्कूल. आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गो टू UC Davis एंड देन बीच में मेरे को आशिकाना का ऑफर आया तो मैं US जाने का सब प्लान कैंसिल करके आई स्टार्टेड डूइंग आशिकाना. बट अमंगस्ट ऑल दिस चाहे वो मूवीज़ हो चाहे सीरियल्स हो एवरीथिंग माई मॉम एंड माई डैड हैव बीन द पिलर ऑफ माई करियर. स्पेशली मेरी मॉम ने मुझे कभी भी हमेशा ये बोला कि लेट एवरीबडी बी अगेंस्ट बट यू हैव टू कम्प्लीट योर एक्टिंग करियर एंड योर पैशन एंड थैंक यू सो मच बी सर एंड ऑफकोर्स कल्याण जी जिन्होंने मेरी मम्मी को एक्चुअली ये अवार्ड मेरी मॉम के लिए है. मॉम का ही है क्योंकि सोलमेट अवार्ड है. थैंक्स टू माई मॉम. एक्चुअली मम्मियों को जो भी अवार्ड दो वो पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि माओं का काम तो 24 आवर्स होता है जब से बच्चा पैदा होता है उसके बड़े करने तक. सो थैंक यू मम्मी. थैंक यू बेटा. तेरे वजह से जिस तरह का प्यार मिलता है पूरे भारत से
ऐसा नहीं है कि एक कोई स्टेट है, पूरे भारत से उनको इतना प्यार मिलता है, बहुत सारा फील होता है, बहुत मैं क्या बताऊँ उसका, उसकी कोई शब्द नहीं मेरे पास, क्योंकि इतनी खुशी होती है कि इस बेटे को मैंने जन्म दिया। ऑफकोर्स कल ही मेरी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है सौगन भोलेनाथ की, और बैक टू बैक मेरी फिल्में आ रही हैं। भाभी माँ अभी उसका फर्स्ट स्केड्यूल कंप्लीट किया है, सेकंड शुरू करना है, वो एक बहुत बड़ी फिल्म है हमारे लिए भोजपुरी की यहाँ, और मुझे लगता है कि अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी। अब तक मैंने ऐसा बोला नहीं है कहीं पर भी, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब वो फिल्म आए तब लोग खुद उस बारे में बात करें। तो पहला शेड्यूल हमने कंप्लीट किया है, दूसरा अभी शुरू करेंगे बरेली में, लेकिन बैक टू बैक अभी 6 फिल्में हैं और बहुत जल्दी मैं अपनी या जय डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रीतिश को एक्टर हैं मेरे, और नो डाउट बहुत बड़ी और बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है। अभी नेक्स्ट मेरी वापस एक नई फिल्म भी शुरू हो रही है, सो बैक टू बैक। थैंक यू सर। रुकिए सर, भाई यहाँ देखो सर, वेट सर, इधर देखिए ऊपर